हेलो गाइस, तो आ गया है फोटोशॉप का न्यू अपडेट, फोटोशॉप सीसी 2020 विथ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड न्यू फीचर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स एंड फीचर्स ऐड किए गए हैं फोटोशॉप सीसी 2020 के इस वर्जन में, लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं दो ऐसे फीचर्स के बारे में जो इस वर्जन में ऐड किए गए हैं, जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो पहला है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब पहले क्या होता था कि जो आपको ये पिक दिख रहा है इसमें दो पर्सन्स हैं। अगर हम लोग सिर्फ क्विक सिलेक्शन टूल में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करते थे तो फोटोशॉप अपने हिसाब से दो पर्सन्स को सिलेक्ट कर लेता था, लेकिन व्हाट वुड यू डू इफ़ यू जस्ट वांटेड वन ऑफ दोज पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड। तो आपको करना क्या है कि जस्ट इधर ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है एंड फिर इधर में दो मोड्स आपको मिल जाते हैं, रेक्टेंगल एंड लासो। जो आपको पसंद आए, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस मोड पे कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई वुड जस्ट यूज़ द रेक्टेंगल मोड। सो रेक्टेंगल मोड से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पर्सन को। सो नाउ यू कैन सी कि जो लेफ्ट पर्सन है वो सिलेक्टेड हो गया है एंड द राइट वन इज़ नॉट सिलेक्टेड। नॉट जस्ट दिस वॉट यू कैन डू विद द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, देयर इज मोर ऑफ इट। सो लेट मी शो हाउ। इधर पे थ्री डोनट्स हैं, सो मैं लेफ्ट डोनट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डोनट का आउटर जो पार्ट है वो तो सिलेक्टेड हो गया है काफ़ी अच्छे से विथ यूजिंग द एडोबी सेंसाई टेक्नोलॉजी विच इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ लेटेस्ट अपडेट्स। पर जो मिडिल पोर्शन है ये सिलेक्टेड नहीं हो पाया है अच्छी तरह से। सो ये सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। सो आपको क्या करना है, होल्डिंग डाउन द ऑल्ट की इन विंडोज और कमांड की इन मैक, आपको बस इसको सिलेक्ट कर देना है। सो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इट्स नॉट दैट एक्यूरेट बट इट्स क्वाइट एक्यूरेट। एंड अनादर क्या यूज़ है कि आप इस जो लेयर है इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली आपका सिलेक्ट नहीं हो पाया, थोड़ा आप राइट या थोड़ा लेफ्ट या किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा मूव करना चाहते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। सो ये थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के कुछ यूजेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ द रिमूव बैकग्राउंड। सो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पिक का। सो जैसे आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड का सॉलिड ब्लैक लेयर है जो मैंने अंडर द दिस फोटो लेयर डाला हुआ है। सो अगर हमें सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए विद द मॉडल, सो हमें क्या करना है कि जस्ट इस लेयर को सिलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन इन द प्रॉपर्टीज पैनल में जाना है। सो शायद आपका प्रॉपर्टीज पैनल इधर भी इस जगह पे भी दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू कस्टमाइज योर विंडो। बाय डिफॉल्ट मोस्ट प्रॉब्ली इट शोज हियर विथ ऑल दिस ऑप्शंस। सो क्योंकि मैंने इधर पे अपने प्रॉपर्टीज पैनल को कस्टमाइज किया हुआ है, सो रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। सो लेट्स जस्ट सिलेक्ट द रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन एंड लेट्स सी व्हाट इट डज। So as you can see, it does a quite decent job in removing the background and just masking it out. So आपका जो भी इधर पे background रहेगा under the layer, it just shows up because the upper layer is just masked out. So this Photoshop feature can serve your purpose when you are in hurry. I hope this video was helpful for you. If you like the video, press the like button. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe. So, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।